योगी विरोधियों को मालिनी अवस्थी का जवाब। यूपी के लिए क्यों जरूरी है योगी, सुनिए जवाब। मालिनी अवस्थी ने योगी को क्यों बताया निडर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खूब बयानबाजियां हुई। कुछ नेता तो दिल्ली दौड़ भी लगाते रहे, जिसके बाद यहां तक कहा जाने लगा कि योगी को कुर्सी से हटाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद योगी को कुर्सी से हटाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी कुर्सी भी कोई हिला ना सका। योगी आज भी कुर्सी पर मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं, ये बात देश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने बता दिया। दरअसल साल 2017 में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह ने यूपी की कमान सौंपी थी, तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि एक साधु संत उत्तर प्रदेश को क्या चलाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्तर प्रदेश को एहसास होता गया कि यूपी जैसे बड़े राज्य को योगी आदित्यनाथ जैसी भगवाधारी मुख्यमंत्री की ही जरूरत थी, जो गुंडे बदमाशों और माफियाओं पर सख्त भी हों और बात जब जनता की आए तो आखिरी लाइन में बैठे गरीबों तक योजनाओं का फायदा पहुँचाया जा सके। पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ इसी तरह से सरकार चला रहे हैं। यही वजह है कि जब योगी को हटाने की खबर आई तो यूपी की जनता चट्टान की तरह उनके समर्थन में खड़ी हो गई। तो वहीं लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी बता दिया कि यूपी जैसे राज्य को योगी जैसे मुख्यमंत्री की ही जरूरत है। पत्रकार शुभांकर मिश्रा के खास कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी ने योगी की तारीफ करते हुए बताया, योगी जी की जो पृष्ठभूमि है नाथ परंपरा से आते हैं और वो योगी हैं, यानी कि जीवन के उन सारे भौतिक सुखों और आकर्षणों से जो बांधती है एक नेता को सत्ता से, उससे उठा हुआ ऐसा व्यक्ति यदि सत्ता पर बैठ जाए तो सबसे बड़ी बात तो वो निडर है, वो निर्भीक है, उसे किसी चीज की लालसा नहीं, ना पद की, ना धन की, ना शक्ति की, वो उसके पास है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अभय हो जाता है उसकी बात का असर सबको हो जाता है, क्योंकि उसे किसी बात का डर ही नहीं। योगी जी ने इसी शैली से उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में मुझे उम्मीद नहीं थी कि कानून व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी, उसे न सिर्फ वापस लेकर आए बल्कि एक बीमारू उत्तर प्रदेश को हर योजना में नंबर 1 पर ले आए। जिस जिला गोरखपुर में मालिनी अवस्थी का बचपन बीता, उस गोरखपुर के 5 बार के सांसद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने बताया, जिसने 5 बार गोरखपुर में सांसदी की हो, जिसने विरासत में भी वही विद्या पाई हो, ऐसा व्यक्ति जब सत्ता में बैठे तो आम व्यक्ति का कैसा संघर्ष है, क्योंकि मठ में बैठकर तो हर व्यक्ति उनके पास जाता था और इसलिए आज उनके बराबर कोई दौरा करने वाला नहीं है, उनके बराबर कोई जनता दर्शन करने वाला नहीं है, उनके बराबर कोई लोगों से मिलने वाला नहीं है। एक संत राजनीति में रहकर धर्म को आधार मानकर उत्तर प्रदेश जैसे कठिन प्रदेश को आदर्श पर ले जा सकता है, योगी जी उनके अनुपम उदाहरण हैं। सीएम योगी की तारीफ में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने जो बातें कही हैं, कुछ ऐसी ही बात कुछ दिनों पहले खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था। उन्होंने तो गुंडे बदमाशों को ललकारते हुए यहाँ तक कह दिया था कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि वो करेगा तो भुगतेगा भी। प्रतिष्ठा हासिल करनी होती तो मुझे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मठ में मिल जाती है। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, एक उसका समय पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला।
योगी आदित्यनाथ का ये बयान बता रहा है कि वो भले ही भगवाधारी महंत हो, लेकिन बात जब गुंडे बदमाशों को सबक सिखाने की आती है तो उन पर कोई रहम नहीं दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का खात्मा इसका सबसे बड़ा सबूत है। नहीं तो एक वक्त था जब यही माफिया सपा बसपा के टिकट पर विधायक सांसद बना करते थे, लेकिन योगी के सत्ता संभालते ही दोनों माफियाओं के साम्राज्य का खात्मा हो गया। तो वहीं सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती है। यही वजह है कि मालिनी अवस्थी जैसी दिग्गज लोक गायिका भी सीएम योगी की तारीफ में कह रही हैं, योगी जी वास्तव में योगी हैं। भौतिक सुखों इच्छाओं आकांक्षाओं से बहुत ऊपर उठे हुए एक योगी इच्छाओं से विरक्त व्यक्ति अभय हो जाता है। शासन वही कर सकता है जो निडर हो, निर्लिप्त हो।